प्रदेश भर के सहायक शिक्षक सहित पदोन्नत प्रधान पाठक अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। उसी तारतम्य में बलौदा बाजार ब्लॉक के भी शिक्षक दशहरा मैदान में अपनी मांगों को लेकर लामबंद हो गए। शिक्षक अपनी मांगों को लेकर जहां सरकार को मनाने हड़ताल में चले गए हैं, वहीं हड़ताल में जाने से बच्चे सहित बच्चों के परिजन पढ़ाई को लेकर काफी परेशान नजर आने लगे हैं, क्योंकि कुछ महीनों के बाद ही बच्चों की वार्षिक परीक्षा भी होने वाली है। ऐसे में शिक्षकों के हड़ताल में जाने से परिजन खासी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। सहायक शिक्षक और पदोन्नत प्रधान पाठक सरकार को मनाने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले जाने से शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है। वहीं सहायक शिक्षकों की मांग है कि समय मान वेतन मान शिक्षक LB पद के बराबर तनख्वाह उन्हें दी जाए। एक लाख 9,000 सहायक शिक्षक साथी है, उन लोग विगत 4 वर्षों से वेतन विसंगति की पीड़ा झेल रहे हैं। इसमें वर्तमान सरकार जब सत्ताहीन थे तो उन्होंने कहा था कि सच में जो वर्गतीन, तब हम लोग वर्गतीन थे, अब सहायक शिक्षक हैं, तो वर्गतीन के साथ धोखा हुआ है, जिसको मैं सत्ता में आते ही उसका निराकरण करूंगा। पर आज पर्यंत तक आश्वासन ही दिया जा रहा है, उनके द्वारा लगातार कमेटी बनाई जा रही है और कमेटी का कोई जवाब नहीं आ रहा है, सब सुनने में जा रहा है। तो उसी से हम हार कर अभी जब बजट चलने वाला है तो इस कारण से हम सोचे कि हमारी जो वर्तमान सरकार है बजट में हमारे बारे में कुछ विचार करे, अपने बच्चों के बारे में विचार करे। हम लोगों का 4 साल पुराना मांग है वेतन विसंगति का। जब हम लोग संविलियन हुए थे, हम लोग संविलियन के पहले हम लोग हड़ताल कर रहे थे वेतन विसंगति के लिए। जिस समय हम लोगों का संविलियन हुआ तो अभी जो हमारे मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे पंडाल में आकर बोले थे कि वर्ग 1 और 2 का फायदा हुआ है और वर्ग 3 के साथ धोखा हुआ है। और हम लोग जो है वेतन विसंगति 2013 से उत्पन्न हुआ है। जब हम लोग सहायक शिक्षक थे, शिक्षा कर्मी थे, तो हम लोग वेतन में 2-2 हज़ार का अंतर था। जब लगातार शिक्षा विभाग हड़ताल कर सरकार को मनाने की कोशिश हड़ताल के माध्यम से करते हैं, जो औचित्य है। परीक्षा के बाद करना चाहिए, जो भी हड़ताल करना है या अपनी मांग पूरी करना है तो परीक्षा के समय तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, परीक्षा होने के बाद करना चाहिए।